जैसा कि हम आ चुके हैं यहाँ पे बड़ी मस्जिद, मतलब जामा मस्जिद से बोला जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद यही है। तो हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग अंदर की साइड, चलते हैं देखते हैं अंदर क्या। हाँ, पहले दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे दिखती है जामा मस्जिद। तो चलिए बैक कैमरा शुरू करते हैं। ये देखिए जामा मस्जिद, आप लोग देख सकते हैं कितने करीब हो रही है हमारी जामा मस्जिद। हम इसके अंदर जाके दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस मस्जिद को 1447 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद सरकी की बेगम बीबी राजी ने बनवाया था। तो ये मस्जिद जौनपुर के एक मुस्लिम संत मौलाना सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन के समर्पित किया गया था। फ्रेंड लोग, आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे जामा मस्जिद कितनी बड़ी है। तो माशाल्लाह आप ऐसी मस्जिद की रौनक बनी रहे। तो पहले के लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहले के लोग यहाँ पे वजू बनाया किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो आ गया, आजकल की इतनी तरक्की चल रही है जो कि नल वल सब लग गई है उस साइड, तो सब लोग आते हैं नल पे बनाते हैं। लेकिन आजकल के लोग ऐसे ही खोजते हैं कि ऐसे ही कोई हो तो हम लोग वजू बनाए। बट वजू बनाने का क्या है, अब तो नल लग गई है, सब लोग वहीं पे वजू बना लेते हैं। बट कमेंट के बताना कि आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलते हैं अभी नमाज पढ़ेंगे हम लोग जोहर की। जोहर की हम लोग नमाज यहीं पे अदा करेंगे, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद ब्लॉग तुरंत ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा है मस्जिद का। देखिए भाई, पत्थर तो बहुत ज्यादा गर्म है यार, ये टाइल्स जो होती है ये थोड़ा सा स्लो है। ये देखिए यहाँ पे सब वजू बनाते हैं, यहाँ पे सब वजू बनाते हैं और यहाँ पे मस्जिद। ये देखिए ये मेन द्वार है, यही मेन द्वार है, उसके बाद ये वाला है। अब ठीक है सलीम भाई, हाँ ये क्या है, नहीं ऊपर जाना मना है भाई, हाँ नहीं मना है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड, आप आज हम लोग ऊपर चलेंगे, यहाँ पे चलते हैं। सलीम भाई क्या है, कुआँ है, बहुत ज़्यादा गहरा होगा। ओहो यार बहुत ज़्यादा गहरा है भाई, बहुत ज़्यादा गहरा है यार, नहीं जाएगा पागल है। ये देख ये बड़ी मस्जिद है और बहुत अच्छा। देखिए बादल भी इनका साथ दे रहा है, बादल भी छांव दे रहा है, देखिए बादल किस तरीके से छांव दे रहा है। और सलीम भाई थोड़ा देखिए, हमारे सलीम भाई पुदक पुदक के बार बार कैमरे की नजर में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, पैर बहुत जर रहा है, पैर इनका पूरा हिट हो रहा है, क्योंकि इस जो पत्थर पे है ना, ये वाला पत्थर पे, इस पे चला नहीं जा रहा, वो टाइल्स होती है उस पे चल लेंगे हम लोग, लेकिन इस पे नहीं चला जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि नमाज हम लोग अदा कर चुके हैं। तो चलते हैं, इस समय हम लोग बाहर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो जाते जाते हम दिखाते ही दिखाते जाएंगे, क्योंकि हम कितना भी इस मस्जिद को देख लेना यार, हमारा मन नहीं भरेगा। देखिए ये सब रूम है, बहुत सारा रूम ऐसा ही, बहुत ज़्यादा रूम होगा, ये सब लॉक है, सब लॉक है। दो चार रूम ही ऐसे होंगे कि अनलॉक होंगे। सामने का द्वार हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई ताला मार के चला गया है, हम लोग समझ में नहीं आ रहा, पहली बार इस मस्जिद में आए हैं। तो फिर अब जाएंगे अंदर की साइड, अंदर देखते हैं कौन सा दरवाजा खुला होगा, किस दरवाजे से जाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पे चप्पल भी लिए हैं, तो जाएं कहाँ से, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सब मस्जिद में चले गए, लास्ट हम ही रह गए भाई। सलीम भाई ये सीढ़ी थी, ये बंद हो गई है, देखिए इसमें ताला लगा हुआ है, सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए, इस पे ताला लगा हुआ है, इसका मतलब ऊपर जाना मना है। तो यही रूम की बात हम कर रहे थे, इसमें दो चार ही ऐसे रूम होंगे जो अनलॉक है, बाकी सब रूम लॉक है। चलिए दिखाते चलते हैं रूम, इसमें भी ताला है, ये देखिए लॉक है, ये वाला देखिए इसमें कोई रहता है। तो मरने के बाद सबको किस गाड़ी पे जाना है पता है, ये देखिए यही गाड़ी खड़ी है, इसी पे जाना है। ये रूम भी बंद है सर, देखिए ये देखिए लॉक है, ये भी लॉक है और ये अनलॉक है। ये देखिए जो हमारे अंकल आ रहे हैं, ये मस्जिद की देखभाल करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा ही दिक्कत है मस्जिद बंद करके जाने की। तो उससे पहले हम पानी पी लें, चलते हैं रोड पे से। इसका व्यूज दिखा दे, आते समय तो हम लोग आप लोगों को व्यूज दिखाए थे इसका पीछे की साइड का। ये देखिए मस्जिद के जो है बाहर की साइड का, ये देखिए मेन गेट यही वाला है मस्जिद का, मस्जिद के बाहर का देख लीजिए आप कितना प्यारा है। गाइस आज के लिए इतना ही, अगर मस्जिद पसंद आई हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना। तो इसी के साथ चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है भाई, ओके।